भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की कोशिशों में जुटी सरकार का लक्ष्य इस साल देश में कम से कम एक सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू करने का है। ऐसे में इस साल गुजरात में देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू होने की उम्मीद है। इसके बाद दुनिया में स्मार्टफोन, टीवी और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस भारत में बने सेमीकंडक्टर से चला करेंगे। पहला सेमीकंडक्टर प्लांट उद्योगपति अनिल अग्रवाल की वेदांता समूह और सेमीकंडक्टर सेक्टर की बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉक्सकॉन का ज्वाइंट वेंचर है। दोनों ग्रुप गुजरात में अहमदाबाद के नजदीक स्थित धौलेरा स्पेसर इन्वेस्टमेंट रीजन में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाएंगे। वेदांता और फॉक्सकॉन के ज्वाइंट वेंचर ने पिछले साल सितंबर में गुजरात सरकार के साथ एक MOU पर दस्तखत किए थे। कंपनी गुजरात में सेमीकंडक्टर प्लांट के लिए 1.54 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी। ये निवेश देश के इतिहास में अब तक के सबसे बड़े कॉर्पोरेट निवेश में एक है। इस प्लांट में सेमीकंडक्टर के साथ ही डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी स्थापित होगी। अनुमान है कि इसे ही देश की पहली सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का तमगा हासिल होगा। वैसे तो वेदांता और फॉक्सकॉन के भारत में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने का जिक्र काफी समय से हो रहा, लेकिन अभी तक दोनों कंपनियों ज्वाइंट वेंचर ने ये साफ नहीं किया कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किस जगह पर लगेगी। अब इस पर छाई कंफ्यूजन दूर होने की उम्मीद है कि देश में इस साल सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी। धौलेरा को हरी झंडी दिखाने से पहले गुजरात सरकार के कर्मचारियों के साथ ही ज्वाइंट वेंचर के कर्मचारियों ने यहाँ का दौरा किया था। साइट को मंजूरी देने के बाद अब ये प्रोजेक्ट एडवांस स्टेज पर पहुंच गया। इस प्लांट से गुजरात में 1 लाख रोजगार पैदा होने का अनुमान है। गुजरात सरकार ने इस प्लांट को भरपूर मदद देने का ऐलान किया। सेमीकंडक्टर यानी चिप आज की दुनिया चलाने वाला वो पहिया है जो मोबाइल से लेकर लैपटॉप, कंप्यूटर और गाड़ियों तक में इस्तेमाल होता है। पिछले साल जुलाई में राज्य सरकार द्वारा घोषित गुजरात सेमीकंडक्टर नीति 2022-27 के तहत परियोजना को भारी सब्सिडी और प्रोत्साहन मिलने की संभावना है। जैसे भूमि खरीद पर 0 स्टाम्प शुल्क और रियायती पानी और बिजली। गुजरात सरकार और ज्वाइंट वेंचर के बीच पिछले साल इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव की उपस्थिति में गांधीनगर में समझौता हुआ था। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस अवसर पर कहा था कि दोनों कंपनियां गुजरात में प्लांट लगाने के लिए 1.54 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेंगी, जिससे 1 लाख रोजगार के अवसर भी पैदा हो जाएंगे। खैर, आज का भारत इतना शक्तिशाली है कि उसे रोकना नामुमकिन है, और ये बात खुद चीन जानता है। लेकिन अब ये दुनिया को दिख रहा कि ताइवान नाम की जो चीन की कमजोर नस है, उसे भारत रह रहकर दबा रहा है, और अब चीन कहरा भी रहा। आपका क्या कुछ कहना है भारत की इस बड़ी उपलब्धि पर, कमेंट कर जरूर बताएं।